नमस्कार, आप देख रहे हैं पुलिस वाला वेब न्यूज और मैं हूं आपके साथ अभी। सिंगरौली जिला सीधी घोषित कंटेनमेंट एरिया ग्राम कोलूडी से चलकर आई महिला चेक पोस्ट झोको पर पकड़ाई, जिसे ड्यूटी कर रहे कर्मचारियों ने वापस भेज दिया, परंतु उक्त महिला लोगों को चकमा देकर कुछ दूर जाकर अपना साड़ी बदलकर ड्यूटी कर्मचारियों को चकमा देते हुए पगडंडी के रास्ते से चित्रंगी तहसील अंतर्गत ग्राम खुरमुचा पहुंचने के अथक प्रयास में कामयाब होती कि उसे 3 से 4 किलोमीटर पहले ही पकड़ लिया गया, जिसे एसडीएम नीलेश शर्मा और तहसीलदार कुणाल राउत द्वारा समझा बुझाकर वापस सीधी जिला छुड़वाया गया। प्रशासनिक अधिकारियों की सूझबूझ और दिखाई गई तत्परता से उक्त महिला को समय रहते ही पकड़कर वापस कराया गया। आगे श्री शर्मा द्वारा सभी को आग्रह किया गया कि ऐसे व्यक्तियों को शरण देने वालों के विरुद्ध कठोर दंडात्मक कार्रवाई की जाएगी। आपको बता दें कि सीधी जिले में जब से कोरोना पेशेंट पाए गए हैं, तब से तहसील चित्रंगी अंतर्गत जिला सीधी सिंगरौली बॉर्डर चेक पोस्ट झोको पर प्रशासन द्वारा सतर्कता और बढ़ा दी गई है। तहसीलदार श्री कुणाल राउत द्वारा कोविड-19 संक्रमण महामारी की रोकथाम के लिए आवश्यक कार्यवाही करने के दिशा निर्देश दिए गए हैं। विचारणीय प्रश्न इस बात का है कि सीधी जिले में कोरोना पॉजिटिव केस मिलने से चौकसी तो बढ़ा दी गई है, परंतु जब ऐसे ही विचारधारा के लोग पाए जाएंगे तो शासन प्रशासन हमारी मदद कहां तक कर पाएगा, यह अपने आप में एक बड़ा सवाल है। उक्त कार्रवाई में हल्का पटवारी रमेश तिवारी, कृष्ण कुमार द्विवेदी, समाज सेवी जयप्रकाश द्विवेदी, जिया व्यास, कांता द्विवेदी की सराहनीय भूमिका रही।